स्टूडेंट्स, कल हमने सॉल्वेबिलिटी पे बात करी थी, सॉल्वेबिलिटी पे डिस्कस किया था। तो अब जैसे कोई सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, उसकी कितनी क्वांटिटी है हम सॉल्व कर लेते हैं, उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो भी हम पता लगा लेते हैं, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है वो भी ईजिली पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमसे अब ये पूछे कि उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्ञात कीजिए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी का कैसे पता लगेंगे कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में क्या है? ठीक है, तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिटरमिन किया जाता है? थोड़ा प्रोसेस बड़ा है लेकिन आसान है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? ठीक है, तो डिटरमाइन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कैसे पता लगाते हैं? उसको डिटरमाइन सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमें थ्री स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं। थ्री स्टेप्स कौन कौन से यूज करते हैं देखो, थ्री स्टेप्स। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन दूसरा करेंगे, कंप्लीटली वेट, और थर्ड के करेंगे इसको कैलकुलेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन कैसे होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको कैसे बनाना है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। अब उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 250 ml का बीकर लिया, उसमें क्या करते हैं 50 ml क्या करते हैं वाटर लेते हैं, और वाटर ले करके उसमें जिस सॉल्यूट की हमें सॉल्युबिलिटी ज्ञात करनी है, सॉल्व करनी है, उसको ग्लास रोड से क्या करते हैं, उसको शेक करते रहते हैं, उसको डिजॉल्व करते रहते हैं, और उसको जब तक डिजॉल्व करते रहते हैं जब तक उसमें सॉल्यूट की थोड़ी सी मात्रा सॉलिड रूप में उसमें नीचे नहीं बैठ जाती। ठीक है, जब सॉल्यूट की थोड़ी सी मात्रा उसमें नीचे बैठ जाएगी, तो फिर क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा करके उसको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं सॉल्यूशन। हीट करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद उसको दूसरे बीकर में फिल्टर कर लेते हैं, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, ये तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना, अब आते हैं कंप्लीटली वेपराइज कैसे करेंगे। अब उसको क्या करते हैं, उसमें से एक खाली क्रूसिबल लेते हैं, और उस खाली क्रूसिबल का वेट को हम क्या करते हैं, उसको वेट को ज्ञात कर लेते हैं, उसको वेट कर लेते हैं, यानी खाली क्रूसिबल का वेट क्या कर लिया हमने, उसको पहले खाली क्रूसिबल का वेट कर लिया। फिर क्या करते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको उसमें से 20 ml सॉल्यूशन ले करके क्रूसिबल में उसमें क्या करते हैं, क्रूसिबल में रख लेते हैं, क्रूसिबल में उसको ऐड कर लेते हैं। तो 20 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रूसिबल में ले करके उसको वाटर बाथ पर धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, और उसको जब तक गर्म करते रहते हैं जब तक सारा कम्प्लीटली सॉल्यूशन क्या नहीं हो जाता, वेपराइज नहीं हो जाता, तो इसे कहते हैं कम्प्लीटली वेपराइज। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करने से पहले आपको बता दूं हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और कौन कौन से सब्सटेंस हैं। एक तो हमने खाली क्रूसिबल लिया, उसका वेट हमें पहले करना पड़ेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना है उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कम्प्लीटली वेपराइज होने के बाद क्रूसिबल में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है उसको वेट करना पड़ेगा।
यानी यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल होगा। सॉल्वेंट तो उसमें से वेपराइज हो जाएगा लेकिन सॉल्यूट तो क्रूसिबल के अंदर रह जाएगा। उसी का हमें वेट क्या करना है, उसका उसका वेट सॉल्व करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले अब थर्ड कैलकुलेशन पे आते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, खाली क्रूसिबल लिए, उसका वेट कितना वो देखते हैं। लेट वेट वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल कितना है बराबर, इसको मान लिया हमने डब्ल्यू वन का। ठीक है, जो खाली क्रूसिबल थे उसका वेट क्या मान लिया हमने W1 ग्राम। अब हमने खाली क्रूसिबल में क्या लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब यहां क्या करेंगे, वेट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस क्रूसिबल का वेट, यानी वेट ऑफ क्रूसिबल लिख दिया मैंने डायरेक्ट, इसको क्रूसिबल वेट लिख दिया। इसको मान लिया हमने कितना वेट है, W2 ग्राम है। ठीक है, तो यानी खाली क्रूसिबल वेट W1 और क्रूसिबल में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेकर उसको वाटर बाथ पे गर्म किया वो क्या होगा, दोनों का वेट जुड़ गया और इसको क्या मान लिया हमने W2 ग्राम मान लिया। अब थर्ड बात करते हैं, वेट वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्रूसिबल, वेट ऑफ क्रूसिबल। अब हमने जब उसको सॉल्यूशन को लेकर के कंप्लीटली वेपराइज किया तो वेपराइज होने के बाद क्रूसिबल और प्लस उसमें जो अवशेष बचा उसका वेट कितना मान लिया हमने, W3 ग्राम मान लिया। तो कितना हो गया, W3 ग्राम। ठीक है, देखो शुरू से खाली क्रूसिबल का वेट कितना हमने लिया, W1 ग्राम। क्रूसिबल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया उसमें तो दोनों का वेट जुड़ गए वो हो गया W2 ग्राम। ठीक है, अब क्रूसिबल में जो सॉल्यूशन था उनको उसको हमने कम्प्लीटली वेपराइज कर दिया। अब उसको कम्प्लीटली वेपराइज होने के बाद जो अवशेष बचा उसका वेट और प्लस क्रूसिबल का वेट क्या होगा, W3 ग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हम पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वेट कितना है। तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब हम इसमें ये देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने लिया उसका वेट कितना है। ठीक है, तो देखिए वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और प्लस क्रूसिबल वेट W2 ग्राम है। अब इसमें हमने क्रूसिबल का वेट भी जुड़ा हुआ है वो कितना है, W1 ग्राम। अब मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो सीधी बात है दोनों का वेट यहाँ जुड़ा हुआ उसमें क्रूसिबल वेट W1 ग्राम है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यानी W2 माइनस W1 ग्राम बचेगा। ठीक है, यानी सैचुरेट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस क्रूसिबल वेट W2 ग्राम है, इसमें कितना ऐड जुड़ा हुआ W1 क्रूसिबल का वेट जुड़ा हुआ उसको माइनस कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस वेट ऑफ क्रूसिबल वेट कितना है W3 ग्राम, तो दोनों का वेट है इसमें क्या है, सॉल्यूट का वेट इसमें और क्रूसिबल का वेट भी है, और क्रूसिबल का वेट कितना है उसमें W1 ग्राम, तो बता सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा W3 माइनस W1 ग्राम होगा, तो ये आ जाएगा W3 माइनस W1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना उसमें W3 माइनस W1 ग्राम, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल इजी वे में हम इसको लेके चल रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया W3 माइनस W1 ग्राम। ठीक है, अब इसमें मुझे निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या लिया हमने, वाटर।
अब यहां देखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कितना होगा। देखो सॉल्यूशन का वेट ये है, सॉलिड का वेट ये है, तो आपको बताया था जब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉलिड के वेट को माइनस कर लेते हैं, तो अब सॉल्यूशन का वेट कितना हमारे पास W2 माइनस W1 ग्राम, फिर क्या आ जाएगा सॉलिड का वेट कितना ये वाला, तो ये आ जाएगा W3 माइनस W1 ग्राम। तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा W2 माइनस W1, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो W3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस W1 ग्राम आ जाएगा। तो ये सॉल्व होने पे ये W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करिए प्लस का, तो क्या बचेगा W2 माइनस W3 ग्राम बचेगा, W2 माइनस W3 ग्राम, यानी उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है W2 माइनस W3 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट को अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी कितनी है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी ऊपर जगह बना लेते हैं ये वाला, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो ये आ गया। अब हमें इसमें सॉल्वेंट में देखना सॉल्यूट का वेट कितना है, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, वाटर का वेट कितना है वाटर W2 माइनस W3 ग्राम, यानी W2 माइनस W3 ग्राम वाटर में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा W3 माइनस W1 ग्राम है। ठीक है, यानी ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है ये वाला डिजॉल्व है W3 माइनस W1 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W2 माइनस W3 ग्राम जल में सॉल्यूट का वेट कितना है W3 माइनस W1 ग्राम। अब देखो पर्टिकुलरली सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट का वेट है 100 ग्राम पे निकाले अगर हम, तब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम H2O, तो 100 ग्राम H2O में वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितने में 100 ग्राम H2O में, 100 ग्राम ऑफ H2O, 100 ग्राम ऑफ H2O बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी या अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बचेगा W3 माइनस W1 अपॉन में या अपॉन में गए तो बचेगा W2 माइनस W3 और 100 कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 100 ग्राम ये वाला आ जाएगा। तो यानी H2O के 100 ग्राम में सॉलिड का वेट कितना रहेगा W3 माइनस W1 अपॉन में W2 माइनस W3 ऊपर 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम में जल का यानी सॉलिड का वेट है इतना। आप देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, तो अब निकालेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एट किस पे रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जितना भी होगा तो उसको हमने डिग्री सेल्सियस वही होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, उसमें सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर क्या होगी इज इक्वल टू ये आ जाएगी W3 माइनस W1 अपॉन में आ जाएगा W2 माइनस W3 इंटू में आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगी रूम टेम्परेचर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, तो जितने ये वाले वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी किस पर रूम टेम्परेचर। तो हर सॉल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ईजी थी, हमने सॉल्व कर लिया, और वेट ऑफ सॉल्यूट भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी तो ऐसे सॉल्व किया जाता है और बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है लेकिन ईजी वे है। तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।